हेलो एंड वेलकम गाइस टू रेडी एमएक्स यूट्यूब चैनल। गाइस एग्जाम का सीजन आ चुका है एंड आप में से बहुत सारे लोगों के या तो एग्जाम से स्टार्ट हो चुके होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एग्जाम से पहले क्या करना है एंड क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। मैं आपको इस वीडियो में 5 डूज एंड डोंट्स बताऊंगा एग्जाम से पहले। गाइस ये कोविड टाइम है एंड आप लोगों में से बहुत से लोगों के सिलेबस हो सकता है कंप्लीट ना हुए हों एंड हो सकता है कि आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई हो इस बार। तो गाइस आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स कैसे अच्छे से पूरे कर पाओगे एंड कैसे उसमें से अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डोंट्स कि आपको एग्ज़ाम से पहले क्या गलतियाँ नहीं करनी है। गाइस ये वीडियो जिन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए बताता हूँ पहला डोंट। गाइस आपको एग्ज़ाम से 1 वीक पहले एंड एग्ज़ाम्स के दौरान आपको अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको अपने सोशल अकाउंट्स बिल्कुल बंद कर देने हैं, आपको सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करना है एंड आपको गेम्स भी बहुत कम टाइम के लिए खेलने हैं। गाइस इसीलिए मैं अभी वीडियो नहीं डाल रहा था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको चैटिंग सर्फिंग बिल्कुल सब कुछ बंद कर देना है एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है एंड आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। गाइस या तो आप फ्री फायर खेलते हो या कोई भी और गेम खेलते हो, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे देना है, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे गेम बिल्कुल नहीं खेलना। गाइस सेकंड डोंट है कि आपको पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, इसलिए उन्हें टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम्स के लिए, उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, फिर वो रात को ठीक से सोते भी नहीं हैं एंड एग्ज़ाम्स में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो गाइस आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली रेस्ट लेना है। आप हर 1 घंटे के बाद आप 20 मिनट्स का रेस्ट कीजिए, आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, हर 40 मिनट्स में आप 1 गिलास वाटर पीजिए। तीसरा डाउट है कि आपको एग्ज़ाम्स के दौरान एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले आपको न्यू बुक्स नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपने नोट्स ही स्टडी करने हैं एंड आपको न्यू बुक्स से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप अपने अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स हो तो आप उन्हें सॉल्व कीजिए एग्ज़ाम से पहले एंड एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले से आप राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा एग्ज़ाम में एंड आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। आप एग्ज़ाम्स के दौरान एंड एग्ज़ाम्स के बीच में आप जंक फूड मत खाइए, बाहर का खाना भी मत खाइए एंड आप बाहर का पानी भी मत पीजिए, आप हेल्दी रहिए एंड ओनली हेल्दी फूड खाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे एंड एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं दे पाओगे। गाइस फिफ्थ डोंट है एग्ज़ाम्स के दौरान अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक जाओ, आपको अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को सिंपली उस टाइम लीव कीजिए, आप पैनिक मत होइए एंड कुछ टाइम बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए, जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो आप लास्ट में उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल चीटिंग वगैरह मत कीजिए क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। गाइस हो सकता है कुछ लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो एंड वो चीटिंग करके अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो गाइस आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं डूज की ओर कि आपको एग्जाम से पहले एंड एग्जाम्स के दौरान करना क्या है। गाइस पहला डूज है कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा एंड आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। आप जो कुछ भी पढ़ोगे आप उसे भूलोगे नहीं एंड जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से आ जाएंगे। गाइस सेकंड डूज है कि आप एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी, आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करना आपको आ जाएंगे एंड आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपका पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि भाई वो लोग बहुत स्लो लिखते हैं एंड उन्हें आता तो सारा क्वेश्चंस है बट वो लिख नहीं पाते क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। गाइस तीसरा डूज है कि आप हेल्दी खाना खाइए, आप बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, तो हैवी ब्रेकफास्ट करके जाएँ क्योंकि आपको इससे एनर्जी मिलेगी एंड आप अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे। गाइस चौथा डूज है बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए, जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बाज़ार से 10 ईयर बुक खरीद लें, इनमें 10 ईयर से सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी बहुत उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस फिफ्थ डूज है कि आप अपने अच्छे से अपना स्टडी प्लान बनाइए एग्जाम्स के दौरान, आप इनफ रेस्ट कीजिए एंड सिर्फ अपने नोट्स ही रीड कीजिएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारी टिप्स मिल जाएँ।